आज मैं ऐसी सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपके अंदर एक जबरदस्त आग लगाने वाली है। अगर आप अपने जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं तो यह सक्सेस स्टोरी जरूर सुन लें। कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस अफसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह से पीटते थे, कभी बाल खींचते तो कभी बेल्ट से मारते। बस उसकी माँ थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती। उस लड़के 14 साल की उम्र में जिम शुरू कर दिया, बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना या दिमाग में सिर्फ एक चीज लिए वह 1 घंटे जिम में बिताने लगा। जब वह 18 साल का हुआ तो उसकी कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ दिनों बाद अपने मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप का कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन वह बंदा यहीं पर नहीं रुका, अब उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा। लेकिन वह बंदा यहाँ पर भी नहीं रुका, वह मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वह बंदा अभी भी नहीं रुका, उसने फिर एक सपना देखा था, वह हॉलीवुड फिल्मों में एक्टर बनने का। काफ़ी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1970 में फिर उसे एक फिल्म मिली, पंपिंग आयरन, और यह फिल्म थी जो उसे पहचानने दिलाने। और फिर 1982 में उसे फिल्म मिली कॉनन द बारबियन, जो कि सुपरहिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया और उसने राजनीतिक में जाने का सोचा। अपनी मेहनत के बदौलत वह कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। उस बंदे का नाम है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली।